नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सीएंट के बारे में। ये सीएंट जो शेयर है दोस्तों, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम इसमें कमेंट्री की थी और मैंने बताए थे लेवल जिस तरह से काम कर रहा था उसी तरह से कमेंट्री की थी और आपको लेवल भी दिए थे, तो शायद आपने प्रॉफिट कमाया होगा, तो बहुत ही बढ़िया। और अभी इस शेयर में होने क्या वाला है तो ये सब बातें जानेंगे, क्या होने वाला है, कितने लेवल पर बाय करना है, कितने लेवल पर सेल करना है, क्या लेवल हमें दिख रही है, इसमें संकट क्या मंडराता हुआ दिख रहा है, यहाँ से इसमें हमें खुशी कौन सी मिल सकती है, ये प्रॉफिट में रखने लायक है या नहीं, ये सब बातें हम करेंगे। तो आज तक हमने देखा कि हर शेयर प्रॉफिट बना रहा है, लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, लॉस में जा रहा है, क्या ये हमें अभी दिख रहा है जिस लेवल से, यहाँ से हमें उसमें मोमेंटम दिख सकता है क्या, तो ये सब बातें जानेंगे। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपको एक बात बताते हैं, अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया होगा तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक दी है अब स्टॉक्स की, और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा आपको। और दोस्तों अब स्टॉक्स आपको मालूम है डिस्काउंट ब्रोकर है, तो दोस्तों आपका बहुत सारा प्रॉफिट इसमें बच सकता है। और आप जानते हैं अगर आपको ट्रेड नहीं आता है या फिर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आके ले सकते हैं। जो आपको ट्रेड नहीं जमता वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आस्क कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट बनाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। अगर आपको ट्रेड नहीं मालूम है किस तरह लिया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपको कौन सा ट्रेड करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में आपको क्यों और क्यों नहीं लेना है इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन से ज़रूर दबाना, क्योंकि जब भी वीडियो बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव बनाए रखेगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं सीएंट के टेक्निकल चार्ट में। हम अभी आए टेक्निकल चार्ट के सीएंट के, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हमें लेवल दिख रही है। ये देखिए यहाँ से जो मार्केट टूटना शुरू हुआ था, ये मार्केट कहाँ पे रुका है, और देखिए यहाँ से उसने जो अपना एक लेवल बनाया था, लेवल के बाद उसने और एक लेवल बनाया और मार्केट स्टेबल करते हुए ऊपरी लेवल दिखाने के लिए चल पड़ा। और मैंने वहीं पे एक कमेंट्री की थी कि यहाँ पे 150 का एक लेवल आपको दिख सकता है, शायद वो 150 का मेजर सपोर्ट भी हो सकता है, उसको सम्मान देते हुए यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। और आपने देखा 186 का उसका जो रिवर्सल है वहाँ से आया और वहाँ से मार्केट ऊपरी लेवल पर गेन करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और जो उस समय मैंने टारगेट दिया था वो 350 का टारगेट दिया था, और आज देख रहे हैं अभी वो शेयर कहाँ पर दौड़ लगा रहा है। लगभग आपको वो शेयर आपको 266 लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और दिन के उच्चतम लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और उसमें आप देख सकते हैं 6.53% की रैली आई है, 16.35 उसमें पॉइंट गेन हुए, बहुत ही अच्छी बात है। मगर क्या अभी इस शेयर में हमें और क्या देखने मिल सकता है, तो ये बात सबसे ज़रूरी है, हमें क्या देखने मिल सकता है उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे डीसीसी पैटर्न तो नहीं बना है, यहाँ पे कहीं पे डीसीसी पैटर्न नहीं बना, बेरिश मोमेंटम कहीं पे भी नहीं बना था। यहाँ पे बात आती है क्या ये मोमेंटम टूटने वाला है क्या, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, ये मोमेंटम अभी टूटा नहीं है या फिर यहाँ से टूटने की इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं लग रही। अगर टूटता है तो आपको कहाँ जाके रख सकता है, ये आपको रख सकता है लगभग 220 के आसपास के लेवल के आसपास लेके जाके रख सकता है। मगर ये 200 का लेवल को ब्रिज करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो लेवल है वो 220 का मेजर सपोर्ट बता रहे हैं, वहाँ से मार्केट रिबाउंस कर सकता है। रही 266 के लेवल की बात, ये अभी भी बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है। देखिए वही कैंडल, एक ही कैंडल में उसने दो कैंडल को ब्रिज करते हुए ऊपरी रैली दिखाई है। तो अभी बहुत सारे जन बोले कि इसमें टेक्निकल चार्ट में ये रैलियाँ जो आती है ये किस तरह से अंडरस्टूड किया जाता है, किस तरह से इसमें हमें समझना है कि मोमेंटम बनेगा, उसके लिए मैं टेक्निकल चार्ट पे अलग से ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो आपको आसानी करेगा समझने के लिए। देखिए जो बात है आपको समझना किस तरह से, बहुत सी बातें ऐसी होती है टेक्निकल चार्ट की जो को आपको समझ में आती है और उसका आपका प्रॉफिट बन जाता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे फंडामेंटली होते हैं जो कि आपको मालूम है लॉन्ग टर्म वाले ही फंडामेंटल देखते हैं, मगर जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, वो हमेशा टेक्निकल के साथ काम करते हैं। और मैं भी टेक्निकल के साथ काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अगले पल में होता क्या है और प्रॉफिट कैसे बन सकता है, इसके लिए मैं टेक्निकल चार्ट और अपना जो पोजिशंस है या फिर वीकली है मंथली उस पर ट्रेड करना बहुत पसंद करता हूँ। तो ये हो गई बात हमारा प्रॉफिट दिखाने की। और यहाँ से आगे वाले लेवल क्या हो सकते हैं, 350 की लेवल है, मगर मार्केट में जो कहर बरपा रहा है कोरोना वायरस, आपको तो मालूम है किस तरह से मार्केट में उसने तहलका मचा हुआ है। और आज देख सकते हैं आप सेंसेक्स और निफ्टी में जो लेवल से वो कहां से कहां आए हैं,
तो थोड़ा सावधान रहिए, शेर तगड़ा है मगर पैसा बनाना आपका जो उद्देश्य है उसको बनाना ध्यान में रखिए, भूलिएगा मत। मगर ये भी मत ध्यान में रखिएगा कि मुझे पैसा ही बनाना है, दूसरा भी ध्यान में रखिए मेरा पैसा जाना नहीं चाहिए मार्केट में। वो किसी ने कहा है ना, मैंने पैसे बनाने आया हूँ, तो पहले रूल को याद रखना है क्या है, तो पैसा बनाना है, और दूसरा रूल क्या है, तो पैसा बनाना ही है, मतलब पैसा गंवाना नहीं है, तो उसको पहले रूल को ध्यान में रखना है। पहला रूल है पैसा बनाना है, दूसरा रूल है हमें पहला रूल को भूलना नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो अभी आपको समझ गया होगा यहाँ से 220 का लेवल है, उसमें थोड़ा सा मेजर सपोर्ट है, उसके बाद 200 का जो मेजर सपोर्ट कह सकते हैं उसको ब्रीच करने की ये कोशिश भी नहीं करेगा, और रैली है इसमें बनने की अभी शुरुआत हो सकती है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी न्यूज़ पर, जानेंगे किस तरह से हम यहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इसमें आने वाले रुझान क्या हो सकते हैं। देख सकते हैं 266.65 पैसे का यहाँ पे हमें यहाँ पे जो लेवल दिख रहा है प्राइस एक्शन का, और यहाँ पे जानेंगे किस तरह से हमें EPS के हमेशा देखना क्यों ज़रूरी पड़ता है। EPS में हमें अर्निंग पर शेयर का ये रेशियो मालूम पड़ता है, जिसके कारण इसका प्राइस एक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें समझ में आता है। PE की बात करें तो PE हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, अगर लॉन्ग टर्म के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको PE समझना बहुत ज़रूरी है। उसका साल का PE कितना बन रहा है, उसका 5 ईयर्स का PE कितना है, इसका एवरेज निकाल के आपको लॉन्ग टर्म में बनने के लिए आसानी होती है। तो बुक वैल्यू की बात करें, देखिए 190.80 का बुक वैल्यू है, जो कि 186 के लेवल पर जाके आ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि ये शेयर डिविडेंड देता है, तो उसमें लॉन्ग टर्म के बनने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि उसका जो लेवल है बहुत ही अच्छा है, और फेस वैल्यू उसका 5 रुपये का है, तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके लेवल का ही इसका फेस वैल्यू है, तो इसमें आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप एक्सेप्ट करें 10% रिटर्न का इसमें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें आप ज़्यादा कमा सकते हैं मोर देन 15%, क्योंकि इसका जो डिविडेंड देने का परसेंटेज और कितना है दोस्तों, लगभग 300% है, तो मतलब 5 गुणी ले 3 की बात करें तो हम यहाँ पे 15 रुपये पर शेयर के पीछे इसको साल में डिविडेंड देता है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ 10% रिटर्न की, यहाँ पे आप जस्ट एंड जस्ट यहाँ पे आपके शेयर के ऊपर ही रिटर्न उतना मिल रहा है एज अ डिविडेंड के रूप में। तो बहुत ही अच्छा शेयर है ट्रेड करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है किस तरह से आप इसमें ट्रेड करेंगे। इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है बुलिश ट्रेंड, तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में 1.06% का रिटर्न लॉस में दिया है, 1 मंथ में 26.83% गेन दिया है, और बात करेंगे हम यहाँ पे उसकी 3 मंथ की तो 18.46% का रिटर्न बहुत ही बढ़िया, और लेवल 6 मंथ की बात करें तो -40.86% लॉस यहाँ पे, और 51 ईयर की बात करें तो 51.20% यहाँ पे लॉस देता हुआ शेयर अभी भी अपने जो 52 वीक्स हाई है उसे आधे लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपको यहाँ से चांसेस है, मगर दोस्तों संभालिए, मार्केट में अनसर्टिनिटी है, थोड़ा सा कोरोना वायरस का भी प्रभाव दिख रहा है इसमें, तो आप थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी को लॉस होते हुए दिखा है, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग, तो थोड़ा सा सतर्क करिए, आपका प्रॉफिट बनाइए। देखिए न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है सीएंट के बारे में, सीएंट के बारे में कहा जा रहा है कि अभी ये अपना डिप्स लगा सकता है अपने प्रॉफिट में। तो मोतीलाल ओसवाल ने कहा था 8 जुलाई को इसमें थोड़ा डिप्स आ सकता है, मगर ये ऐसी कुछ बातें अभी तक सामने नहीं आई है। तो उन्होंने क्या कहा था मोतीलाल ओसवाल में, मोतीलाल ओसवाल हैज़ कम आउट विद द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल-जून 2000 अर्निंग्स एस्टिमेट फॉर IT सेक्टर्स। उसने IT सेक्टर के लिए कहा था कि द ब्रोकरेज हाउस एक्सपर्ट CN2 रिपोर्ट नेट प्रॉफिट ₹61 करोड़ डाउन 19.6% अभी थोड़ी सी गिरावट हमें दिखेगी उसके प्रॉफिट में, क्योंकि जो उनका प्रॉफिट है थोड़ा सा मंदी गति में चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारा कोरोना वायरस ने बिजनेस में इम्पैक्ट किया है। नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाई 10.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डाउन 11.6% ईयर ऑन ईयर। तो देखिए 10% इसके क्वार्टर टू क्वार्टर में लॉस होने के चांसेस बताए गए, नेट सेल्स में डिक्रीज बताया उनका सेल्स, और बात करेंगे उसकी ईयर ऑन ईयर तो 11.6% का डिक्रीज बताया जा रहा है। और रुपीज़ की बात करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल इसको डिक्रीज दिखाई देगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर लाइकली फॉल बाई 25% और मोर देन 25%, जो कि बहुत ही बड़ी एक परसेंटेज लेवल है, जो कि मुझे पता चल रहा है आप ये कितना बड़ा अभी लॉस इस कंपनी को होता हुआ दिख रहा है। तो शायद आप सतर्क रहिए, मैं जैसे कहा कि तगड़ा शेयर है तो इसमें थोड़ी गिरावट है, आप भी उसमें डीप में बाई करने के लिए तैयार हो जाइए। तो
तो ये भी नहीं कहूँगा कि बाय करके आप इसको छोड़ दीजिए, तो इसको डेली वॉच पे रखिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट बनना है, अगर दिखेगा बनता हुआ तो इसमें आपको निकल जाना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है ये कोई बता नहीं सकता। अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे तो इसमें डिविडेंड एक बड़ा एक मोटिव मेजर एक सपोर्ट है, जो कि आपको ईयरली के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा ही रिटर्न देगा एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे का शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।